आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों पर और बात करते हैं विशेषज्ञों से, साथ ही जानते हैं बीमारियों के इलाज और उपाय के बारे में। आज हम जानेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में, साथ ही बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी के बारे में जो कि खास तौर से बच्चों में पाई जाती है, और विशेषज्ञ से जानेंगे पूरी जानकारी। और इस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, हमको इस बीमारी से संबंधित सारी जानकारी देंगे, साथ ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है इसके बारे में भी बताएंगे। सर, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, तो ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या होती है, ये बाकी इलाज से किस तरह से अलग है? एक्चुअली क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो मोस्टली हम अपने पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाते हैं उनके डेली एक्टिविटीज़ में या उनके वर्क में। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्यूपेशनल एंड थेरेपी ये दो वर्ड का बना हुआ है, तो हमारा मोस्टली फोकस होता है कि उनके डेली एक्टिविटी, उनके प्ले और वर्क में उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं। इसके लिए मोस्टली हम एक्टिविटीज़ ही लेते हैं जो डेली यूज़ में आता है, जैसे डेली रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है उसको हम थेरेपिटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जी, अगर बात करी जाए बच्चों की, तो क्या बच्चों की थेरेपी भी करी जा सकती है इस ऑक्यूपेशनल के जरिए? या डेफिनेटली बच्चों की थेरेपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें मास्टर इन पेडियाट्रिक्स है, मास्टर इन साइकेट्री है, तो पेडियाट्रिक्स एक अलग स्पेशलाइज ब्रांच ही है, तो बच्चों का तो खास हम लोग इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी से इलाज कर पाते हैं। तो बात करें अगर बच्चों की, तो बच्चों में ऐसी कौन कौन सी बीमारी होती है जिनका उपचार ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हो सकता है? बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम है मैम जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी से इलाज हो जाता है। जैसे फर्स्ट हम जैसे आज बात करेंगे सेरेब्रल पल्सी का, यह एक मोस्ट ऑफ द कॉमन न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका इलाज हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी से करते हैं। इसके अलावा ऑटिज्म है, ADHD है, लर्निंग डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज है, ठीक है, हैंड राइटिंग इशू आते हैं, तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लम, इवन स्पाइना बाइफिडा, कितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उसकी, वो सारी प्रॉब्लम को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डील करते हैं। जी, जैसे कि हम बात करें आज सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, तो ये क्या होता है, जैसे कि हमने रिसर्च किया कि ये बच्चों में पाया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल चाहेंगे। देखिए सेरेब्रल पाल्सी एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल और पल्सी दो वर्ड से बना है। सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन और पाल्सी का मतलब होता है वीकनेस, तो अगर ब्रेन के कारण वीकनेस हो रहा है तो वो सेरेब्रल पल्सी प्रॉब्लम होता है। मोस्टली ये बच्चों में होता है क्योंकि ये अर्ली डायग्नोज किया जाता है, 3 to 4 months में डायग्नोसिस हो जाता है। और इससे क्या होता है कि इस प्रॉब्लम के कारण बच्चों का डेवलपमेंटल इफेक्ट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड पोस्चर कंट्रोल। बच्चे रोलिंग नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाते हैं, क्रॉलिंग, जो आप एक नॉर्मल बच्चे को देखते हैं कि उनका डेवलपमेंट होता है, पहले वो हेड को कंट्रोल करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं, फिर बैठते हैं, ये सब चीज़ें ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वे खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, इसमें काफ़ी देरी आएगा। जी, अगर सेरेब्रल पल्सी की अगर प्रकार की बात करी जाए और कारणों की बात करी जाए, तो मुख्य कारण क्या होते हैं, किस वजह से बच्चों में ये हो जाती है बीमारी, और अगर बात करी जाए इसके टाइप्स की, प्रकार की, तो वो कौन कौन से होते हैं? एक्चुअली सेरेब्रल पल्सी जैसे हम बताया कि अभी सबसे ज़्यादा मोस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हम एक डेटा शेयर करेंगे कि इंडिया में 1000 बच्चों में एटलीस्ट 3 to 4 बच्चे ऐसे हैं जो सेरेब्रल पल्सी से अफेक्टेड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है। जी, अगर हम इसके कारण की बात करें तो मोस्टली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आइदर बच्चों के जन्म के पहले या जन्म के समय या जन्म के बाद, किसी भी कारण से। कारण की बात करें जैसे जेनेटिक हो सकता है, मैटरनल और फीटस ब्लीडिंग हो सकता है, ट्रोमेटिक इंजुरी हो सकता है, किसी भी कारण से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, इन एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो जिससे ब्रेन डैमेज हो जाता है उससे सेरेब्रल पल्सी होता है। जी, तो कुछ बच्चे होते हैं जो देर से डेवलप करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में अगर सेरेब्रल पल्सी की वजह से है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को यही प्रॉब्लम है? मैम जो नॉर्मल बच्चे हैं वो देखिए 2 or 3 months में बेबी हेड कंट्रोल करने लगते हैं, अपने हेड को सीधा कर लेंगे, इधर देखेंगे, चारों तरफ देख सकते हैं, वो 3 या 4 months में पलटना शुरू कर देंगे। लेकिन एक सेरेब्रल पल्सी का चाइल्ड है
वो सबसे पहले तो उनका हेड कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाएगा, 3, 4, या 5 मंथ में आप देखिएगा कि उस समय भी वो अपने हेड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। दूसरा सबसे मेजर माइलस्टोन होता है जो जिसको रोलिंग बोलते हैं, पलटना, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने दोनों हाथ को मुंह के पास नहीं ले पाएंगे। तो ये सब कॉमन फीचर है जिससे आपको पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जी, यानी कि 3 महीने के अंदर ही पता चल जाता है। डेफिनेटली मैम, 3 महीने के अंदर पता चल जाता है। जी, और अगर क्या ये थोड़े बड़े होने के बाद भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि मतलब बच्चा छोटा है तो वो नॉर्मल है और बड़ा होते होते उसके अंदर सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे कारण है, इसमें एक कारण ये था कि मैंने बोला कि ट्रॉमेटिक हेड इंजुरी अगर बच्चा को, या दूसरा कारण इन्फेक्शन भी होता है। अगर बच्चा नॉर्मल है लेकिन 3-4 मंथ के बाद कुछ इन्फेक्शन होता है, जैसे आपने मेनिनजाइटिस का नाम सुना होगा, मेनिनजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ये सब कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद भी सेरेब्रल पल्सी डेवलप हो सकता है। या बच्चे को चोट लगी हो, गिर गए, उनके मस्तिष्क में चोट लगी है जिसके कारण कुछ डैमेज हुआ है, उसके बाद भी सेरेब्रल पल्सी हो सकता है। जी, अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है कि सेरेब्रल पल्सी है तो पेरेंट्स को क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? मतलब मेन थिंग है कि पेरेंट्स को ये पता नहीं चल पाता है कि सेरेब्रल पल्सी है, लेकिन पेरेंट्स इतना तो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उनका बच्चा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग है। नॉर्मल बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है और एक सेरेब्रल पल्सी के बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग है, तो पेरेंट्स ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास काफी बच्चे आते हैं, अगर 2-3 महीने में ही बच्चे आ जाएंगे और पेरेंट्स सबसे पहले यही बोलते हैं कि सर ये हेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि गर्दन नहीं उठा पा रहा है, पूरा बॉडी उनका लूज रहता है, ऐसे फ्लॉपी साइड गिरे रहते हैं। तो बच्चे को पेरेंट्स को जैसे पता चले, ये ऑब्जर्व करें कि उनके डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, इनिशियली उनको आइदर पेडिटिशियन या पेडिटिक न्यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, तब वो जाके वो डिफरेंट टेस्ट करते हैं जिससे फाइंड आउट होता है कि नहीं ये सेरेब्रल पल्सी है, फिर फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, अगर बात करी जाए बॉडी की, तो बॉडी के किस हिस्से को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मैम, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने जैसा पहले बताया आपको कि ये ब्रेन लीजन होता है, तो ब्रेन लीजन एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहते हैं। अब ब्रेन का जो पार्ट लीजन होगा वहाँ अफेक्टेड ज़्यादा होगा। मोस्टली इसमें देखा जाता है कि पोस्चरल कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है, यानी कि दोनों हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों पैर में हो सकता है, दोनों बॉडी में हो सकता है। इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जैसे जिसको बोलते हैं डाइप्लेजिक सीपी। डाइप्लेजिक का मतलब होता है कि चारों लिम्ब अफेक्टेड है बट दोनों हाथ कम अफेक्टेड है। फिर क्वाड्रिप्लेजिक है, इसमें दोनों हाथ, पूरे ट्रंक एंड दोनों पैर, दोनों अफेक्टेड होते हैं। फिर हेमिप्लेजी है, उसमें बोला जाता है कि वन साइड ऑफ बॉडी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। बट जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो काफ़ी अलग अलग एसोसिएट सिम्टम्स भी आते हैं। तो एसोसिएट सिम्टम्स में हुआ जैसे कि कितने बच्चों को सीजर, जो इपिलेप्सी होता है, वो आता है, कितने बच्चों को विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, हीरिंग प्रॉब्लम होते हैं, ओरल मोटर इशू होता है, बोल नहीं पाते हैं, खाने को खाना प्रॉपरली नहीं खा पाते हैं, चबा नहीं पाते हैं, ठीक है, हमेशा ड्रूलिंग होने रहता है। तो ये सब काफी एसोसिएटेड प्रॉब्लम होते हैं जो देखा जाता है, यानी अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। कोई भी अगर हम बात करें सीपी का, तो एक डिजीज नहीं है, एक डिसऑर्डर है, तो अम्ब्रेला टर्म है। मतलब अम्ब्रेला टर्म में काफी बड़ा एरिया होता है और हर बच्चों में अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी बच्चों में बहुत माइल्ड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी में काफी ज्यादा हो सकता है और किसी में एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी ज्यादा हो सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ बच्चों में देखने की क्षमता बाधित होती है, किसी में सुनने की होती है, तो अलग अलग तरह का डिसऑर्डर होता है, तो पेरेंट्स ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं, वो उन्हीं डॉक्टरों के पास जाते हैं जिस तरह की डिसीजेज होती हैं, तो क्या उससे भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखिए मैम, अल्टीमेटली सीपी जो डिजीज है उसमें पोस्चरल कंट्रोल की प्रॉब्लम होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चा प्रॉपर नेक कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रोलिंग नहीं कर पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, हाथ और पैर दोनों में प्रॉब्लम होगा, इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम होंगे। तो डेफिनेटली अगर वो फर्स्ट टाइम उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पहले वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही भेजते हैं फाइंड आउट करने के लिए। उसके साथ साथ हाँ, उन डॉक्टर्स के भी रोल है, जैसे अगर हेयरिंग प्रॉब्लम है तो हेयरिंग के डॉक्टर्स के भी रोल है, इवन स्पीच थेरेपी का भी काफ़ी रोल है, जो बच्चों में को स्पीच सिखाते हैं। तो ये सब पर्टिकुलरली एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। जी, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट किस तरह का देना चाहिए ऐसे बच्चों को? देखिए, ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि सीपी एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन में लीजन की वजह से होता है, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं उसमें प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, लेकिन जो ब्रेन में लीजन हुआ है वो नहीं बढ़ रहा है, वो बोला जाता है इससे नॉन प्रोग्रेसिव लीजन ऑफ द ब्रेन, जो डैमेज हो गया वही डैमेज रहेगा। जी, तो जब डैमेज हो गया तो उससे जो प्रॉब्लम होगा
मोस्टली जो प्रॉब्लम होगा, मैंने बताया कि पोस्चर कंट्रोल का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो पोस्चर कंट्रोल प्रॉब्लम होता है और उसके लिए हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि पोस्चर कंट्रोल की प्रॉब्लम है और एक टाइप है इसका स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, 80% चाइल्ड में यही होता है। उसमें क्या होगा कि पूरे बॉडी स्टिफ होने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन है जो फेडेटिक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, बट इसके अलावा मोस्टली एक्सरसाइजेज हैं जो मेनली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है जी। अगर समय रहते माँ बाप को पता ना चले कि उनका बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है और अगर लापरवाही कर दी जाए तो किस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सेरेब्रल पल्सी में क्या है कि जितना जल्दी पता चले उतने जल्दी हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पूरे बॉडी टाइट हो जाते हैं, उससे मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, वो धीरे धीरे डिफॉर्मिटी और कॉन्ट्रेक्चर में फॉर्म होता है। एक बार डिफॉर्मिटी और कॉन्ट्रेक्चर फॉर्म हो गया देन बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है? फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो शुरू में सपोज कीजिए बच्चे 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर में है, उस समय टाइटनेस और कॉन्ट्रेक्चर बिल्कुल नहीं रहता है। तो उस समय अगर पता चलता है और हम उस समय एक्सरसाइज कर ले, जितना जल्दी पता चलता है उतना जल्दी एक्सरसाइज करें, तो काफ़ी सिम्टम को मिनिमाइज किया जा सकता है और बच्चे को हम इंडिपेंडेंट उनके लाइफस्टाइल में बना सकते हैं जी। अगर बात करी जाए आम परिवारों की, तो वो बच्चों को बचपन से ही मालिश भी करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो क्या उससे भी फर्क पड़ता है? क्या उस तरह की एक्सरसाइजेज जो छोटे बच्चों को कराई जाती है उससे भी फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है मैम, लेकिन जितने भी स्पास्टिसिटी है उसमें एक्चुअली मालिश हम लोग मना करते हैं, क्योंकि मालिश करने से स्पास्टिसिटी और बढ़ जाती है, ठीक है? तो इसलिए मालिश मोस्टली मना किया जाता है। तो वैसे पेरेंट्स को चाहिए कि हम लोग के पास मिले, हम लोग डिफरेंट होम केयर प्रोग्राम बताते हैं, जैसे घर में आप कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं बच्चों को, कैसे एक्सरसाइज करके इनके नॉर्मल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं जी। अगर सेरेब्रल पाल्सी के जो रिस्क है उसकी बात करी जाए तो ये कितना बढ़ जाता है? देखिए, रिस्क फैक्टर मोस्टली होता है कि रिस्क फैक्टर क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि मेन कॉज जो होता है वो है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, बट देयर आर आल्सो सम रिस्क फैक्टर। जैसे अगर मैटरनल की बात करें तो अगर कोई मदर ने कंसीव किया है उस दौरान उन्हें कोई इन्फेक्शन होता है या उनके थायराइड के इशू होते हैं या इंटरनल ब्लीडिंग होता है, तो ये सब एक रिस्क फैक्टर है जो बच्चे को सेरेब्रल पल्सी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हो, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह अगर हम बच्चे के जन्म के समय की बात करें तो जन्म के समय डिफरेंट कंडीशन है, लाइक अगर सीजेरियन सेक्शन में चांसेस होते हैं रिस्क के कि हाँ रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। उसी तरह अगर ब्रीज प्रेजेंटेशन है, जैसे बच्चे अगर उल्टे पैदा हो रहे हैं उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? अगर किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, बच्चे को जॉन्डिस हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम हाँ एक रिस्क है जो बच्चे सेरेब्रल पल्सी हो सकते हैं। और फर्दर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे के जन्म के बाद कुछ इन्फेक्शन डिजीज हैं, ट्रॉमा है या किसी तरह के ब्रेन में चोट लगती है, तो ये सब एक रिस्क फैक्टर होते हैं जो सेरेब्रल पल्सी हो सकते हैं। सेरेब्रल पल्सी की बात करी जाए तो अगर बच्चे ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो जाते हैं तो क्या बड़े होकर उनमें किसी तरह की कोई परेशानी देखने को मिलती कभी? देखिए मैम, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि बच्चे, मैंने बताया कि अर्ली इंटरवेंशन से बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे वो नॉर्मल लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर उनको थेरेपी नहीं दिया गया और बढ़े, तो मैंने पहले बताया कि काफ़ी मुश्किलें आ जाती है, जैसे काफ़ी मस्कुलोस्केलेटन कॉम्प्लिकेशन जैसे कॉन्ट्रेक्चर, ये सब डेवलप हो सकता है, ठीक है? नहीं तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है मैम, डिपेंड करता है बच्चे की प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला कि इसकी सिवेरिटी कम से ज्यादा होती है जी। जैसे अगर माइल्ड फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पल्सी है तो माइल्ड प्रॉब्लम में अगर अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह हो जाएंगे। अगर वो बच्चे इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग उनकी आ जाते हैं या विद द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट असिस्टिव डिवाइस वो चलने लगते हैं, तो मेरे ख्याल से वो नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी एसोसिएटेड प्रॉब्लम होते हैं और सीवियर फॉर्म में सेरेब्रल पल्सी है, तो उनमें ये मुश्किलें आती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चल पाते बिना सपोर्ट, वो इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है जी। क्या ये सिर्फ पोस्चर पे ही डिपेंड करता है, क्या सिर्फ पोस्चर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर बड़े होके लड़कों में कुछ अलग, लड़कियों में कुछ अलग भी प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, मोस्टली पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, बट साथ में मैंने ये भी बोला कि एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जी, ठीक है? पोस्चर ही तो कॉमन, क्योंकि मैंने बोला मस्कुलोस्केलेटन मसल्स में टाइटनेस, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जो होंगे ही होंगे। और बात करें लड़कों और लड़कियां की, तो मोस्टली लड़के हैं जो सेरेब्रल पल्सी से ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, लड़कियां कम होती है, बट प्रेजेंटेशन एक ही होगा
और जैसा कि मैंने बताया कि साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकता है. एसोसिएटेड प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस लीजन में प्रॉब्लम हुआ है और क्या क्या हो सकता है. अभी आपने एक बात कही कि लड़के इससे ज्यादा प्रभावित रहते हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक वजह है? साइंटिफिक वजह तो मुझे नहीं मिला मैम कोई, बट बॉयज आर मोर अफेक्टेड देन गर्ल्स, ये मिला है जी. तो क्या ये जन्म आगे बढ़ता जाता है? मतलब मान लीजिए किसी बच्चे में अगर सेरेब्रल पल्सी है तो वो बड़ा होता है, नॉर्मल लाइफ जीता है, तो क्या उसकी संतान में भी इस तरह की कोई बीमारी या लक्षण आ सकते हैं? मैम कुछ जगह बताया गया है कि ये जेनेटिक होता है, बट ऐसा कुछ एविडेंस हमें नहीं मिला है कि अगर बच्चे को सेरेब्रल पल्सी है तो उनके बच्चे में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे एविडेंस अभी तक नहीं मिले जी. तो जो ये बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, जैसे कि आपने बताया सारे सिम्टम्स, तो उसके अनुसार उनका माइंड भी धीरे धीरे ही डेवलप करेगा. लेकिन जब वो स्कूलिंग करेंगे तो क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ता है? मैम ऐसा नहीं है कि माइंड उसका धीरे धीरे डेवलप करेगा जी. मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया कि पोस्चर कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है, साथ में एसोसिएटेड अगर माइंड नॉर्मल रहता है, माइंड नॉर्मल होगा, और अगर बच्चों में आईक्यू इश्यू है जिसमें इंटेलिजेंट की प्रॉब्लम है, जो एमआर रेंज में आते हैं, तो फिर उन्हें चीजें सिखाने मुश्किल हो जाएगी. जो बच्चे नॉर्मल रेंज में है उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा, उन्हें लर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो नॉर्मली स्कूलिंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन जिन बच्चों में आईक्यू होगा, लाइक उनमें अगर एमआर है या सीवियर एमआर में आते हैं, तो फिर उनमें यह प्रॉब्लम होता है, उनमें लर्निंग स्लो होगी, उन्हें चीजें सिखानी मुश्किल होगी. हम उसको डिफरेंट टेक्निक से सिखाते हैं. ठीक है, अगर कैटेगरी और स्टेजेस की बात करी जाए इस बीमारी की, तो इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे. देखिए मैम कैटेगरी जैसे मैंने टाइप बताया कि मोस्टली सॉरी मैंने नहीं बताया टाइप, इसका दे आर फोर टाइप्स हैं लगभग. जैसे फर्स्ट वन इज स्पास्टिक टाइप है, दूसरा होता है डिस्काइनेटिक, देन अटैक्सिक एंड देन मिक्स. तो मिक्स टाइप में स्पास्टिक के भी सिम्टम आ सकते हैं, अटैक्सिक के भी और डिस्काइनेटिक के भी जी. और जो बच्ची सेरेब्रल पाल्सी से जूझ चुके हैं तो उनको किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए सावधानी मतलब मोस्टली पेरेंट्स को रखना चाहिए. पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चों का ध्यान रखे. जैसे मैंने बताया कि पोस्चर कंट्रोल है, आप अकेले छोड़ेंगे तो बच्चे को गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. घर में आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम रखें जिससे बच्चे अगर चलने भी लगे तो फिर भी उनके फॉल गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बैलेंस इशू उनको ज़्यादा होता है. तो ऐसे समय में हम एक सपोर्ट सिस्टम दें, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को प्रॉपर देखें, केयर करें, सो डेट कि वो बार बार गिरे नहीं. गिरेंगे तो फिर से ट्रॉमा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे जी. ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सरसाइज प्रोग्राम को रेगुलर फॉलो करें, बच्चों को मोस्टली एक्टिव रखें. ठीक है, अगर एक्टिव रखेंगे, डिफरेंट एक्टिविटी देंगे, तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है. सेरेब्रल पाल्सी से जूझे हुए बच्चे जो ट्रीटमेंट लेके प्रॉपर सही हो गए हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, वो क्या स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ मैम, जो जैसे कि मैंने बोला कि मोस्टली प्रॉब्लम जो होता है पोस्चर का, तो स्पोर्ट्स में मतलब रनिंग और ये सब की ज़्यादा एक्टिविटी होती है. तो जो बच्चे माइल्ड हैं वो कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि उन्हें भी ये चीज़ प्रॉब्लम होती है. ठीक है, और जो असिस्टिव डिवाइस के सपोर्ट से चल रहे हैं तो उन्हें इस तरह से नॉर्मल लोगों की तरह स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. हाँ डिफरेंट स्पोर्ट्स होता है, जैसे व्हीलचेयर बेस्ड स्पोर्ट्स है, जैसे मतलब रनिंग टाइप के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. अगर माइल्ड हैं मैम, माइल्ड हैं और वो चलने लगे तो डेफिनेटली यू कैन डू, बट अगर मॉडरेट हैं और खुद से चल नहीं पा रहे हैं देन आई थिंक वो नहीं कर पाएंगे जी. तो क्या ऐसे बच्चों को कैल्शियम रिलेटेड भी ट्रीटमेंट दिया जाता है? कैल्शियम रिच डाइट दिया जाता है, डाइट का भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चे को मैंने बोला मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम है, तो कैल्शियम डाइट हुआ, ओमेगा 3 जो प्रॉपर लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इस तरह के डाइट देना चाहिए जी. अगर बात करी जाए अलग अलग थेरेपी की, तो जैसे अलग अलग तरह का इलाज भी होता है, तो सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है? देखिए मैम, अगर मैंने बताया कि सेरेब्रल पल्सी एक अम्ब्रेला टर्म है, तो बेस्ट कोई इलाज नहीं है. अगर बच्चे के पोस्चरल कंट्रोल बेसिक इशू है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करता है, क्योंकि हमारा मेन गोल होता है कि उनको उनका पोस्चरल कंट्रोल पे वर्क करे, उनको उनके लाइफ में इंडिपेंडेंस करे. सिमिलरली मैंने बोला कि एसोसिएटेड इशू होता है, तो स्पीच की भी इशू है, तो वहाँ यहाँ स्पीच थेरेपी का भी यूज़ हो जाता है. स्पीच थेरेपिस्ट का भी रोल है कि वो प्रॉपर स्पीच एंड कम्युनिकेशन पे वर्क करते हैं जी. फिर अगर बच्चे को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम या कोई भी बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ स्पेशल एजुकेशन के भी इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दे, कुछ स्पेशल टेक्निक के जरिए सिखाए. तो हर प्रोफेशनल्स के अलग अलग रोल हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बेस्ट है, और डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और क्या हमारा गोल है जी. तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि
सबसे पहले आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि बच्चे को प्रॉब्लम है, और दूसरे बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करें, यानी कि लव और अफेक्शन हर बच्चे समझते हैं, तो आप उसको लव दें, अफेक्शन दें, और फिर प्रॉपर उनका एक्सरसाइज को रेगुलर फॉलो करें, जो भी आपके थेरेपिस्ट या जो भी आपके प्रोफेशनल बता रहे हैं उसको गाइड करें, और जितना अर्ली आप इनको पता करेंगे और एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बनते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ आज विशेषज्ञों में बीमारियों का इलाज जानने के लिए, बताने के लिए, और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जुड़े थे, जो कि हमको बता रहे थे कि हम कैसे सेरेब्रल, जो कि सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है, उनसे बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, समय रहते कैसे हम उनका इलाज कर सकते हैं। तो आज हमने जाना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में, साथ ही साथ हमने सेरेब्रल पाल्सी के बारे में भी जाना। ये मौजूदा वक्त में बच्चों में पाई जाती है, और साथ ही साथ अगर हम इसे सही समय पर जान लें और इसके लक्षणों को समझ लें तो हम इसका इलाज कर बच्चों को एक बेहतर जीवन भी दे सकते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और बीमारी के साथ, साथ ही विशेषज्ञों से जानेंगे उनकी राय। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।